जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी निगरानी भी और बढ़ जानी चाहिए। अभी तो बच्ची है, बड़ी हो गई तो फिर क्या क्या होगा। बिन माँ के बच्चे ऐसे हो जाते हैं। Enough, योग। गुनगुन की माँ है, तो सच बता दो कि तुम ही हो गुनगुन की मां। कहां है मां? गुनगुन की मां आप हैं मिस्टर त्रिवेदी। त्रिवेदी गुनगुन के पिता तो हैं, साथ ही साथ गुनगुन की मां भी हैं। क्योंकि जितना प्यार ये अपनी बेटी से करते हैं, जितना ख्याल रखते हैं, दुनिया की किसी भी मां से कम नहीं। वैसे तो इन्हें यहाँ आए ज्यादा दिन हुए नहीं है, पर इतने ही दिनों में मैंने इनके अंदर एक माँ भी देखी है और एक पिता भी। ये पिता बनकर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हैं तो कभी माँ बनकर गुनगुन की चोटी बांधते हैं, पिता बनकर अपनी बेटी को दुनियादारी सिखाते हैं तो माँ बनकर उसका टिफिन बॉक्स पैक करते हैं। मैंने तो इन्हें गुनगुन के लिए कपड़े पसंद करते हुए भी देखा है। गुनगुन पर गुस्सा करते हुए देखा है, गुनगुन को प्यार करते हुए देखा है। और जहां तक मैं जानती हूँ युग, ये सारी चीजें तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है ना। मिस्टर त्रिवेदी गुनगुन के माँ भी है और उसके पापा भी। मोंजी इज द बेस्ट, He's सर्वगुण संपन्न। और योग, आपका ये कहना बहुत गलत था कि जिन बच्चों के मां नहीं होती वो बिगड़ जाते हैं। कि मां तो मेरी भी नहीं थी तो क्या मैं बिगड़ी हुई हूँ? मैं बुरी इंसान? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो फिर आपका गुनगुन के बारे में ऐसा सोचना भी बहुत गलत है। बहुत गलत किया आपने। अरे मेरा तो कहने का मतलब वो, ठीक है मुझसे गलती हो गई, आपको बुरा लगा हो तो। गुनगुन जी मुझसे गलती हो गई, मेरी धर्मपत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपको कुछ कहा। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपसे अपशब्द कहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। इज दैट ओके?
त्रिवेदी जी, I'm really sorry अगर आपको hurt किया हो मैंने तो। I'm sorry गुनगुन, आपके घर पे इतनी रात को आई, गलती तो हमारी है। I'm sorry, sorry again। वैसे तो युग आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन फिर भी मांग ली। क्योंकि गलती गुनगुन की है। और साथ ही साथ मिस्टर त्रिवेदी आपकी भी है। गुनगुन के माता और पिता दोनों होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गुनगुन पर ध्यान दें। वो कहाँ जा रही है, कब किससे बात करिए, क्या करिए, हर एक चीज पर आप नजर रखें। वरना कल को तो लोग यही कहेंगे ना, क्या तो गुनगुन के पापा लापरवाह है या फिर गुनगुन जो कुछ भी करती है आपकी रजामंदी से करती है। और दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। आई थिंक बहुत रात हो चुकी है, अब आप सबको अपने अपने घर जाकर सो जाना चाहिए। गुड नाइट एवरीवन। हाँ तो मैं तो तड़प रहा हूँ जाने के लिए, सोने के लिए। चलिए गुनगुन चले। केतकी, ये युग जी का घर है हमारा सामने। I'm really sorry. आप यहाँ कब आए? आपके पैर में क्या हुआ है? आप ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मनन के साथ जो कुछ भी हुआ में कहीं ना कहीं युग अंकल का हाथ है। बिट्टे भर की लड़की है और लोमड़ी की तरह इसका दिमाग चलता है। इसने सारे डॉट्स कनेक्ट किए, तभी इसकी खोपड़ी ने इसको कहा कि मनन के ऊपर जो स्कूल में अटैक हुआ था वो मैंने किया था। आज ये हमारे घर में घुसी है ना, ये सबूत ढूंढने के चक्कर में घुसी है, वो तो उसको मिला नहीं। इससे पहले दोबारा ऐसी कोई कोशिश करे मुझे सारे सबूत ठिकाने लगाने पड़ेंगे। मोहन जी, गुनगुन बस भी करिए ना आप, तो क्यों मेरी मुश्किलें तो बढ़ा रहे हैं आप दोनों। जानते हैं ना आप दोनों कि अगर आप दोनों मेरे आसपास रहेंगे तो मेरे दिल में चैन नहीं रहेगा। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे, तरस खाइए ना मुझ पर। मैंने जो ये छोटी सी दुनिया बसाई है, प्लीज इससे दूर रहिए, प्लीज इससे दूर रहिए।
देखा तो नहीं अनिल? सबूतों को मुझे जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले वो डिटेक्टिव की औलाद आए और दोबारा कोशिश करे। मुझे करना पड़ेगा, अगर उसको जरा भी भनक हो गई ना, कोई भी सबूत उसके हाथ लग गया और पूरे घर में क्या पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगी और फिर मैं गया। लाइट्स ऑफ है मतलब सो गए हैं। तुम बिना बताए उनके घर कैसे जा सकती हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया गुनगुन। मैं जानता हूं तुम रातों को मनाने गई थी ना, पर ऐसे इस तरह इतनी रात को कौन करता है ये? देखो राधा को परेशान करने का, उसकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने का हक नहीं है हमारे पास, ठीक है? पर पापा मेरी बात तो सुनो, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, कोई बहस नहीं करनी मुझे तुमसे। बात समझ में आई? एक बात तुम ध्यान से समझ लेना कि राधा जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। बट वो आज कन्फेस करने वाली थी कि वो मेरी माँ है, पर हुई तो नहीं ना। मिस्टर त्रिवेदी, सात साल बाद भी आपकी वादा तोड़ने की आदत नहीं गई ना मिस्टर त्रिवेदी? आज भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सात साल पहले थे, रत्ती भर भी नहीं बदले। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे और आपके अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तो फिर गुनगुन को मेरे घर क्यों भेजा आपने? क्यों भेजा आप? मैंने नहीं। मिस्टर त्रिवेदी, आप मुझे पानी की जिद में गुनगुन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने नहीं भेजा गुनगुन को। गुनगुन पता है क्यों? प्लीज ऐसी सारी बातें ना गुनगुन के दिमाग में मत डाल। दूसरों को परेशान करके अपना फायदा वहां से निकाल, अपना काम पूरा करना, ऐसी सारी बातें ना सब आप ही के दिमाग में आ सकती है, सब आप ही का आइडिया होगा। क्या? कम से कम गुनगुन को ऐसा मत बनाइए। रामा आप जैसे समझ रहे हो, जब दो बड़े बात करते तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। और मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं, प्लीज मेरा बसा बसाया घर बर्बाद मत करिए ना, प्लीज। घर बताए, घर क्या होता है? घर वहां होता है जहां प्यार होता है। और प्यार जो है ना वो आज भी तुम युग से नहीं मुझसे करती हो, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, ठीक है? यही तो आपकी गलतफहमी है ना मिस्टर त्रिवेदी,
मैं आपसे प्यार नहीं करती। और मुझसे, आप मुझसे भी प्यार नहीं करती रामा। कौन कौन? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गुनगुन, बहुत ज्यादा प्यार, और हमेशा करती भी रहूंगी, मरते दम तक करती रहूंगी। पर अपना गुनगुन, मेरा प्यार दो हिस्सों में बट चुका है, जिसका एक हिस्सा तुम्हारे पास है, जिसमें तुम्हारी रामा की यादें हैं, और एक हिस्सा मेरे पास है, जिसमें मेरे गुनगुन की यादें हैं। अब इन दो हिस्सों के सारे ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। I'm very sorry, गुनगुन। पर आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे तुम मेरी नसीहत समझो। या फिर मेरी वार्निंग, आप लोगों की मर्जी। और एक बात, आज के बाद आप मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे घर से दूर रहेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस घर को भेजकर चले जाइए। वो हम सबके लिए अच्छा होगा। चाहे तो मैं ये घर दोबारा आप सबसे खरीद लूंगी। और डोंट वरी, जो पैसे दिए हैं ना, वही पैसे आपको मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए ना, मैं उससे भी ज्यादा दे दूंगी। आप इसके बारे में एक बार सोच कर देख सकते हैं। संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की मां को जन्म दिया। तो आप हमारी बेटी हैं और हम आपकी मां। राधिका, इतनी रात को मोहन के घर से क्यों निकल रही है? अरे उसके घर पे करने ही क्या गई थी? तो गड़बड़ बात है यार।
लगता है रामा हम सबसे सच में बहुत दूर जा चुकी है, अब वो हमें कभी नहीं मिलेगी। गुनगुन चुप, बस गुनगुन नहीं, रोना नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राधा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, अगर ऐसा होता तो क्या वो अपना पति, बच्चा, मान मर्यादा छोड़कर हमें समझा नहीं आती? नहीं ना, वो यहां सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। ओए बस बस, और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ना वो हमें जरूर मिलेगी, ठीक है। तुम इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रही थी?